अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस जॉब्स इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से मैं हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज भी हम सर्च करेंगे कि कौन सी न्यू जॉब्स आई है और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पेज की जानिब। और सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के ऑप्शन पे, देन चेक करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स न्यू आई हैं और क्या प्रोसेस है, क्या उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं और ये देखिए सारी अपडेटेड जॉब हैं। डेली बेसिस पे जो है यहाँ जॉब्स आती हैं, तो फ्रेंड्स लाजमी चेक किया करें और जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से चेक करें और उनकी रिक्वायरमेंट चेक करें, देन आप अप्लाई करें। सो इस पोस्ट पे जो है आपको अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस और बैंकिंग के हवाले से आपको जॉब्स मिलेंगी, तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस जॉब को चेक करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब इन दुबई। चेक करते हैं कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब इन दुबई यूएई, फ्रेश ग्रेजुएट इन यूएई विथ बैचलर डिग्री इन बिजनेस फाइनेंस विथ फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन, कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टैटिक्स, चार्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस, पर्सनैलिटी ट्रेड डेडिकेटेड, GPA 3, हार्ड वर्कर, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग, अदर रिक्वायर्ड स्किल, रिसर्च स्किल्स, IT स्किल्स, एनालिटिक स्किल्स। सो फ्रेंड्स, इनको फाइनेंशियल एनालिस्ट नीड है, और जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हो और बैचलर डिग्री हो बिजनेस फाइनेंस में, और जो स्पेशलाइजेशन वो फाइनेंशियल एनालिसिस में हो, स्टैटिक्स, चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हो, और GPA 3 हो, हार्ड वर्कर हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो टाइमिंग में। और इसके अलावा जो स्किल्स होने चाहिए वो रिसर्च स्किल जो है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, IT स्किल्स होने चाहिए और एनालिटिक स्किल्स, ये स्किल्स लाजमी होने चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फर्दर जो इन्होंने सैलरी मेंशन की हुई है वो तकरीबन अप्रोक्से 2000 तक है, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप और भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जॉब से रिलेटेड कंफ्यूजन हो वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, और चार्ट एनालिसिस ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सो फर्दर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये लिंक देखें आप, इस लिंक के ज़रिए हम जाएंगे और अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए और ये सारी वही डिटेलिंग जो कि अभी हम प्रीवियस पेज में हमने देखी है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, देन ये ऑप्शन देगा आपको कि आप किस के ज़रिए जो है अकाउंट जो है लिंक कराना चाहते हैं। तो इस पे आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जीमेल हमारी ओपन है, तो हम डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा जो अकाउंट है उससे लिंक हो जाएगा। और ये देखें ये प्रोसेस चल रहा है, देन ये जो है लिंक कर देगा हमारे अकाउंट को, और अभी देखें ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। देन अब हम चेक करते हैं, अब ये देखें जो जहां हमने अप्लाई किया था वहां पे एक शॉर्ट फॉर्म आ गया है और बहुत ही इजी है। इसमें सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ अपनी बताएंगे, इसी तरह जेंडर है, नेशनलिटी है, आपका एजुकेशन जो भी लास्ट डिग्री होगी वो आप मेंशन करेंगे, और आपको एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में। इसके अलावा आप सैलरी एक्सपेक्टेशन भी आप इस पे बताएंगे, और आपका नोटिस पीरियड के अगर आप ज्वाइन होते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और वीज़ा स्टेटस आपका क्या है वो बताएंगे, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में लाजमी बताइएगा, तो वी बहुत डिस्क्राइब करिएगा लाजमी। और फाइनली जो आपको करनी है, अपलोड करनी है अपनी करंट अपडेटेड CV, वो लाजमी अपलोड करनी है, क्योंकि इसी से आपका पूरा एक्सपीरियंस पता चलेगा कि आपका किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स हैं आपके, क्या क्वालिफिकेशन है, तो लाजमी अपलोड कीजिएगा। और फाइनली जो है आप इसमें चेक लगाएंगे, देन आप अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी जो CV है वो डिपार्टमेंट में चली जाएगी, देन जो भी इनका फर्दर प्रोसेस होगा, और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, और जो भी आप फर्दर डिटेल्स हैं तो फिर आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था इसका बहुत ही आसान, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़।